أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم पेंसियोने वोलंटारियो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया गया है वजारते मेहनत व अफरादी कुवत के हवाले से जनाब वजीर हैं वजारते मेहनत के ओरलांडो साहब। ओरलांडो साहब ने अपनी एक्सपर्ट टीम के जरिए एक पैकेज तैयार किया है पेंशन वालों के लिए और उनका यह कहना है कि वो नए डिक्रेटो सुस्टेनियो बिज जो आ रहा है जो कि पिछले कई हफ्तों से आने जा रहा था लेकिन अब उसकी तारीख जो है वो 19 से 22 मई की गई है इन्हीं के दिनों के अंदर वो आ जाएगा। तो इस डिक्रेटो में ओरलांडो वजीर जो मेहनत हैं वो इस पैकेज को शामिल करने जा रहे हैं और उन्होंने एक सर्वे करवाया है जिसके मुताबिक बहुत सारे लोग जो हैं वो पेंशन लेना चाह रहे हैं। तो ये पैकेज जो उन्होंने तैयार किया है इसका नाम रखा है उन्होंने पेंसियोने वोलंटारियो। जो लोग 5 साल पहले जिनके अभी 5 साल रहते हैं और वो 5 साल पहले जो अपनी पोस्ट है जॉब छोड़ना चाहते हैं पेंशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये पैकेज रखा गया है। वो 5 साल पहले पेंशन ले सकेंगे और इस तरह उनकी जगह पर नए नौजवान जो यंग जवान है जिनको जॉब की जरूरत है वो उनको मौका मिलेगा और वो इस तरह नई जो जगह जो असामियां खाली होंगी उन पर वो उनको काम मिलेगा। वजीरे जो के लवोरो हैं मिनिस्ट्रो दा लवोरो उन्होंने जो सर्वे करवाया उसके मुताबिक इस वक्त तक 27,000 लोग जो हैं वो पेंशन लेना चाह रहे हैं। इसमें एक छोटी सी शिक फिलहाल जो उन्होंने रखी है पेंशन लेने वालों के लिए वो ये है कि जो बड़ी कंपनियां हैं जो बड़ी बड़े दीते हैं या कोई भी कोरियर की कंपनियां हैं जिनमें कम अज कम 250 लोग काम करते हैं फिलहाल उनके लिए ये सहूलत रखी गई है। वहां के काम करने वाले जो है वो 5 साल पहले भी अपनी पेंशन ले सकेंगे। बहुत देर पहले एक दो प्रोग्राम में मैंने भी यही एक रिक्वेस्ट की थी एक अपनी राय दी थी हुकूमत पाकिस्तान को पंजाब पुलिस के लिए पूरे पाकिस्तान की पुलिस के लिए बल्कि पंजाब पुलिस के लिए ज्यादा कि जो बड़े बड़े पेटों वाले माजरत अच्छे बंदों को छोड़ के खा खा के जिन्होंने पेट छोड़े हुए हैं और जिनकी तालीम मैट्रिक पास है और 10 पास है और जिनको बंदे से बोलने का तरीका तक भी नहीं है उनको खुदारा गवर्नमेंट पाकिस्तान फारिग करे उनको एडवांस पेंशन दे और उनकी जगह पे जो हमारे नौजवान यंग नस्ल जो है जैसे ओरलांडो साहब ने पैकेज दिया है ये है तरक्की याफ्ता मुल्क ये है इनकी टीमें जो अपने मुल्क के लिए आने वाली नस्लों के लिए अच्छा सोचती हैं। इसी तरह खान साहब जो आगे ओवरसीज की तो हर वक्त बात करते हैं अपनी कबीना को भी जरा झंझोड़े और ऐसे पैकेज आगे लेके आए जितने यंग पाकिस्तान में नौजवान डिग्रियां लेके खुदकशियों की तरफ जाते हैं दूसरे मुल्कों की तरफ मेहनत करने धक्के खाने जाते हैं उनको वहां पे जॉब्स दी जाए और बड़े बड़े पेटों वालों को फारिग किया जाए उनको पेंशन दी जाए और लाखों के हिसाब से पुलिस में ही आपको असामियां मिलेंगी जहां पे ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री वाले लोग जॉब करेंगे। बहरहाल हमारे मुल्क का तो अल्लाह ही वारिस है हम क्या कर सकते हैं 20 साल से देख रहे हैं कोई ना कोई हर दफा नया नए सुहाने ख्वाब लेके आता है अब देखते हैं इस बार क्या होता है।